हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सपना आज की वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप 5 मेकअप प्रोडक्ट से आप अपने पूरे फेस का मेकअप कैसे कर सकते हैं। इस मेकअप को कॉलेज गोइंग गर्ल, ऑफिस या डेली वेयर में भी कैरी कर सकते हैं। तो वीडियो में जाने से पहले मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के बगल में बेल बटन होगा, उसको भी हिट कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपडेट करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट मेकअप प्रोडक्ट मैं ले रही हूँ लैक्मी 925 सीसी क्रीम, जिसमें मेरा शेड है बेज, जिसको मैं हैंड्स पे लेके और अपने फिंगर के हेल्प से पूरे फेस और नेक पे डॉट डॉट करके अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से ब्लेंड करूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने पानी में अच्छे से भिगा दिया और उसके एक्सेस पानी को बहुत अच्छे से रिमूव कर दिया है। और उससे मैं अपने सीसी, हमें इसे डैबिंग मोशन में ब्लेंड करना है, इसको रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और इस तरह मैं अपने पूरे फेस को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं सीसी क्रीम को एज अ कंसीलर भी यूज़ कर रही हूँ, तो अपने डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए। तो मैं अपने इसे फिंगर के हेल्प से अपने अंडर आई एरिया पे, ब्रिज ऑफ द नोज, माउथ एरिया, जहाँ भी कोई डार्क स्पॉट्स है वहाँ मैं इसको लगा के और सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। देन मैं अपने पूरे फेस को सेट करने के लिए ले रही हूँ लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर और इससे मैं एक ब्रश की हेल्प से अपने पूरे फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी। देन मैं ले रही हूँ प्लम का काजल और काजल से मैं अपने ब्राउज को फिल करूँगी। तो मैं एक फ्लैट ब्रश ले रही हूँ और उसकी हेल्प से मैं काजल इसमें अप्लाई करके और अपने आईब्रोज को फिल करूँगी। हमें डायरेक्ट काजल से आईब्रोज को फिल नहीं करना है, नहीं तो वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगेगा। तो मैं बहुत हल्का हल्का अपने आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। देन मैं सेम काजल को एज अ आईलाइनर अप्लाई करूँगी। तो मैं एक थिक लाइन कुछ इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। अप्लाई करने के बाद मैं एक ईयरबड लूँगी और उससे थोड़ा सा अपने जो भी मैंने यहाँ लाइनर अप्लाई किया है उसको थोड़ा सा स्पंज कर दूँगी ताकि एक स्मोकी इफेक्ट आए। दिन में सेम काजल को वाटर लाइन पे भी अप्लाई करूँगी। तो 1/3 वाटर लाइन पे मैं वाटर लाइन के नीचे नीचे थोड़ा सा अप्लाई करूँगी। इससे क्या होगा कि हमारी आँखें जो है थोड़ी बड़ी दिखेंगी कुछ इस तरह से। उसके बाद मैं एक फ्लैट ब्रश के हेल्प से थोड़ा सा इसे स्मच कर दूंगी बाहर की तरफ। उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी मस्कारा। तो मस्कारा के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ लैक्मे का ये आइकॉनिक मस्कारा और इससे मैं अपने लैशेस को देन मैं अप्लाई करूंगी लिपस्टिक। तो लिपस्टिक में मैं यहाँ 2 लिपस्टिक का ऑप्शन दे रही हूँ। अगर आपको डार्क लिपस्टिक लगाना पसंद है तो आप लगा सकते हैं कोई भी डार्क लिपस्टिक। तो मैं यहाँ ले रही डार्क लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ एडीएस प्रो का ये मैट एडिशन, जिसमें मेरा शेड है 411 ऑरेंज और इसको मैं अपने लिप्स पर अप्लाई करूँ। मैंने अपने लिप्स को पहले ही मॉइस्चराइज किया हुआ है क्योंकि मैं यहाँ लिक्विड लिपस्टिक लगा। लिप्स पे अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं सेम लिक्विड लिपस्टिक को एज अ ब्लश अप्लाई करूँगी, थोड़ा सा अपने चिक बोन्स पे इस तरह से अप्लाई करके और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो 1 चिक्स पे अप्लाई करके तुरंत ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड करना है, नहीं तो ये थोड़ी देर में ड्राई हो जाता है तो अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है, तो इसलिए तुरंत ही इसे ब्लेंड करना है। यहाँ मैंने 2 लिपस्टिक का ऑप्शन दिया है। अगर आप डार्क लिपस्टिक लगाना पसंद करते हैं तो आप इस तरह के लिपस्टिक लगा सकते हैं। तो ये रहा डार्क लिपस्टिक के साथ इसका फाइनल लुक। तो अगर आपको डार्क लिपस्टिक लगाना पसंद नहीं है ऑफिस के लिए या कॉलेज के लिए तो आप कोई न्यूड लिपस्टिक भी लगा सकते हैं। सेकेंड लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ इनकलर का ये मैट मी लिपस्टिक और जिसमें मेरा शेड है 415 और इसको मैं अपने लिप्स पे कुछ तरह से अप्लाई कर रही हूँ।
तो मेरा ये लुक काफ़ी सिंपल लुक है, आप इसे ऑफिस गोइंग के लिए, कॉलेज गोइंग के लिए इजीली कैरी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही लाइट मेकअप है और बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट से मैंने ये मेकअप क्रिएट किया है और 5 प्रोडक्ट से क्रिएट किया है। तो ये 5 प्रोडक्ट मेकअप चैलेंज भी हो गया कि मैंने 5 प्रोडक्ट से अपने पूरे फेस का मेकअप कैसे किया है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप सबको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।